चले बढ़ते आगे। रायबरेली में कोटे के चुनाव को लेकर जमकर बवाल हुआ है। डी थाना इलाके के हाजीपुर में दो पक्ष आमने सामने आ गए, जिससे बवाल हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस के सामने भी लाठी डंडों से लैस दबंग एक दूसरे से उलझे दिखे, जिसके बाद पुलिस ने 6 दबंगों को हिरासत में ले लिया। दूसरी ओर दबंगों ने दवा लेने जा रहे अभिषेक मिश्रा के बड़े भाई को रास्ते में रोककर फिर से पीट दिया। अभिषेक मिश्रा की हालत अस्पताल में गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस ने आरोपी दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। चले बढ़ते आगे। रायबरेली में कोटे के चुनाव को लेकर जमकर बवाल हुआ है। डी थाना इलाके के हाजीपुर में दो पक्ष आमने सामने आ गए, जिससे बवाल हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस के सामने भी लाठी डंडों। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। से लैस दबंग एक दूसरे से उलझे दिखे, जिसके बाद पुलिस ने 6 दबंगों को हिरासत में ले लिया। दूसरी ओर दबंगों ने दवा लेने जा रहे अभिषेक मिश्रा के बड़े भाई को रास्ते में रोककर फिर से पीट दिया। अभिषेक मिश्रा की हालत अस्पताल में गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस ने आरोपी दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।